बैराट की उमरी भिलौड़ी में सीआईएसएफ जवान को नम आंखों से विदाई देने उमड़े क्षेत्रवासी। तापुत से लिपट कर रो पड़ी माँ और पत्नी। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। परिजनों को बंधाया ठाटस। सीआईएसएफ बटालियन के जवानों ने गौरव ऑनर के साथ दी अपने साथी को अंतिम विदाई। बैराट तहसील के क्षेत्र उमरी गांव के निवासी सीआईएसएफ जवान गजेंद्र यादव की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। गजेंद्र यादव सीआईएसएफ में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। उनकी तैनाती किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में हरियाणा बॉर्डर पर थी। करीब चार पांच दिन पहले अचानक तबियत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली में हरियाणा बॉर्डर पर मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां पर शुक्रवार देर शाम गजेंद्र यादव का निधन हो गया। इसकी खबर मिलते ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। इसकी खबर मिलने के बाद दिल्ली से शनिवार की दोपहर सीआईएसएफ के जवान का पार्थिव शरीर जो है वो उनके गांव लाया गया। आपको बता दें कि उनके गांव उमर भिलौड़ी में ताबूत से लिपट कर पत्नी और बूढ़ी मां बिलक पड़ी। साथ ही 11 साल की बेटी और 8 साल का बेटा जब पिता के अंतिम दर्शन करने ताबूत के पास गए तो सबकी आंखें झलक आईं। वहीं सीआईएसएफ जवान गजेंद्र यादव का ड्यूटी के दौरान निधन हो जाने से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने गांव पहुंचकर जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिजनों को ठाटस बताया। साथ ही जवानों ने दिवंगत साथी को पुष्प चक्र अर्पित कर सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। आपको यहाँ पीछे बताया है ना, पीछे बताया है ना, पीछे बताया है ना, पीछे बताया है ना।